वर्गो यानी कन्या राशि कैसा रहेगा आपका मन जून 2020, चलिए जानते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, ये महीना आपका जो होगा ना, आपका ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा फोकस रहेगा ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑन योर ड्यूटीज एंड योर परफॉर्मेंस। वैसे जो वर्गो है ना, कन्या राशि के लोग, उनको मोस्टली यही उनका एम्फेसिस रहता है, उनका काम, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जून के महीने में आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, स्पेशली जो चीज़ें आपने अचीव किया है उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, मे बी उसको शो ऑफ करेंगे थोड़ा बहुत। रिलेशनशिप्स के मामले में कुछ चीज़ें, कुछ गड़बड़ हो सकती है टिल जून ऑफ 25, लेकिन आप ये महीने भर में बहुत सारे प्लानिंग करेंगे कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके रिलेटेड बहुत सारा प्लानिंग करेंगे। तो जैसे मैं रिलेशनशिप्स की बातें कर रही थी, तो ये जो चीज़ होगा रिलेशनशिप्स में, कुछ एक्साइटमेंट तो आपको मिलेगा और कुछ प्रॉब्लम भी होंगी, यानी कि पॉजिटिव भी कुछ होगा और नेगेटिव भी रहेगा टिल 27th ऑफ जून। मतलब आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे कुछ वक्त, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, यानी कि जो पुश एंड पुल मूवमेंट रहेगा आपके लाइफ में, तो ओवरऑल देयर विल बी अ बैलेंस एंड इक्वालिटी। जून के महीने में आप अपने कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स, कुछ पुराने गोल्स जो हैं उसको दोबारा देखेंगे और सोचेंगे कि यार पहले मैंने क्या क्या काम किया था, उसको देख के आप अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में कुछ डिसीशंस लेंगे। आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी आप फोकस करेंगे, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तो जो सारा सोच विचार आप करेंगे, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल मैटर्स और आपके पब्लिक इमेज और रेपुटेशन का फ़ायदा होगा, जिससे आप इसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पैसे के मामले में भी आपकी सोच थोड़ी बहुत बदलेगी और उसके रिलेटेड आप एक नया एटीट्यूड डेवलप करेंगे। 5th of June के बाद आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपका जो घर है, आपका लिविंग स्पेस है, लिविंग कंडीशंस, अरेंजमेंट जो है उससे रिलेटेड आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, होम रिपेयर कर सकते हैं, घर के कंडीशन को और बेटर बना सकते हैं, कुछ सजावट कर सकते हैं, हो सकता है आप घर चेंज करने को भी सोचें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्गो, आप क्या करेंगे, आप वैसे तो हम हर कोई घर में बैठा ही है, लेकिन आप घर में बैठ के आप सोचेंगे कि अब मुझे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है। ये आपका सबसे बड़ा गोल होगा कि आई हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन माय प्रोफेशनल एंड माय पर्सनल लाइफ इस साल एंड द कमिंग नेक्स्ट ईयर, मुझे ये पक्का करना ही है। वैसे ये टाइम आपको एक अच्छा समय मिलेगा जिससे आप अपने इल्यूजन्स जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऑब्स्टैकल्स जो जिसने आपको कुछ करने नहीं दिया, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको सोच के हम वो नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे, या फिर मेरे पास वो टैलेंट नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। हम एक अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है, वो मुझे नहीं कर हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सब सोच के हम बना लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। इनको कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन ये, क्योंकि ये सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, पैसे नहीं है तो पैसे कमाया जा सकता है। तो अब कन्या राशि, आप इस महीने ये सारे इल्यूजन्स को डील करेंगे, जिसने, जैसे आपने आंखों में पट्टी बांध रखी थी जिससे कारण आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, आंखों से पट्टी हटाएंगे, अब सोचेंगे कि नहीं, मैं सारी चीज़ों को डील करने वाली हूँ या डील करने वाला हूँ, अब मैं इन चीज़ों को चेंज करूँगा। आपके कोई फ्रेंड या कोई पार्टनर आपको बहुत मोटिवेट करेंगे अपने आप को और अपनी लाइफ को, फैमिली और आपके होम सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। 20th of June के बाद आपके सोशल लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ ड्रामा हो सकता है, कुछ नई चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कोई नया कनेक्शन बने, नई फ्रेंडशिप बन सकती है आपकी। जून के महीने में आप काफ़ी रिसर्च करेंगे और जैसे मैंने बताया, इस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें, ऑब्स्टैकल्स को हटाएंगे, अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे, कुछ हॉबीज़, कुछ क्रिएटिविटी रिलेटेड काम करेंगे, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करेंगे और बहुत मोटिवेटेड भी रहेंगे।
जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम है, आपके बहुत सारे काम तो रुक ही गए होंगे, बट यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है, ये सिखा रहा है कि जैसा हम जिंदगी में चाहते हैं, जैसा प्लान करते हैं, हमेशा वैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें बदल जाती है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जो जो हो रहा है उसके साथ आप आगे बढ़िए। वीनस रेट्रोग्रेड मोशन में रहेगा टिल जून 25। इस टाइम पे किसी पुराने दोस्त, पुराने लवर या ऐसे लोगों के साथ आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। कुछ पुरानी वर्क सेक्टर में जो जिन लोगों के साथ आपने पहले काम किया था, कुछ पुराने लोग थे जिनको आप जानते थे, उनके साथ आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनके साथ आपको दोबारा काम करने का मौका मिले। एंड अगेन, अगर आपका कोई वर्क प्रोजेक्ट रुक गया है तो उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये इसलिए हुआ है ताकि जब ये बाद में आपको ये काम मिलेगा तब आप इसको और बेटर करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको शायद फैमिली के रिलेटेड कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एंड आप बहुत इमोशनल भी फील करेंगे। फैमिली रिलेटेड सिचुएशन आपके सामने आएगी, उसके बारे में आपको सुनना पड़ेगा, और जैसे कि जो चीज़ ज़रूरी रहता है जिस टाइम पे उसको करना पड़ता है, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और जैसे मैं बता रही थी कि आपका नेटवर्क सर्कल में इस महीने काफ़ी फ़ायदा होगा, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपके नेटवर्क सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है आपकी मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली रीच आउट कीजिए उनसे। अगर आपको लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, यू कैन आस्क देम फॉर द हेल्प, एंड डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ जाएगा। वैसे यूँ तो आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं इस मंथ में, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है। वैसे रिसेंटली आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था, मतलब काइंड ऑफ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था और आपको सडनली आपने उस चीज़ को डिस्कवर किया, थोड़े अपसेट हुए थे, लेकिन आपने ये अपने आप से कहा कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। तो अभी आपका सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आपको जो भी मिलेगा आप उसको हैंडल कर पाएंगे, एंड फ्यूचर भी आपका काफ़ी ब्राइट है, आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होंगे। 10, 11, 12 ये तीन डेज आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के इश्यूज़ पे ध्यान रखना है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड जिनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं, सो आपको इसका ध्यान रखना है। 23, 24, 25 ये तीन डेज दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम होगा, एंड उसके अलावा अपने छोटे भाई बहन जो हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ भी, उनसे आपको कोई हेल्प मिल सकता है, उनके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अपने मदर के हेल्थ का ध्यान रखिए, और आपको कुछ फीमेल फ्रेंड्स से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। 25 जून के बाद आपके जो काम पेंडिंग थे वो पेंडिंग काम आपके शुरू हो जाएंगे, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। वैसे वर्गो, आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज इस मंथ के लिए है कि इस मंथ में आप अपने किसी स्पेशल टैलेंट या किसी हॉबी या एक गिफ्ट जो कहते हैं, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, उस गिफ्ट से कनेक्टेड होंगे, आपके स्पेशल टैलेंट से कनेक्टेड होंगे, और उसको आप डेवलप भी करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी एथलेटिक्स, इट कैन बी एक्टिंग, और इट कैन बी यू नो डिज़ाइनिंग, समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग क्रिएटिव आप करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल सक्सीड इन दैट ऑल्सो। बच्चों से आप काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, यू नो यू विल डू समथिंग रिलेटेड टू किड्स, यू माइट इवन थिंक ऑफ हैविंग किड्स। वर्गो, यू तो आप हेल्थ का जो हाउस है, सिक्स्थ हाउस को रूल करते हैं, लेकिन मेनी टाइम्स आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट भी करते हैं। हो सकता है इस महीने में आपका पोटेशियम डेफिशिएंसी हो, और आपको मैं ये एडवाइस दूंगी, अगर ऐसा है तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स बाहर से खरीद के मत लीजिए, आप ट्राई कीजिए कि फूड के ज़रिए अपनी पोटेशियम डेफिशिएंसी को कवर करें, एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ बाय ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर। जी हाँ, नारियल पानी पी के आप अपने इस हेल्थ इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे कन्या राशि के लोग, बहुत सारे वर्गोज होते हैं जिनको पता नहीं होता है दे हैव पोटेशियम डेफिशिएंसी, और उनका कोई दूसरा हेल्थ इश्यू होता है जिससे इसका एक लिंक होता है, और वो बाद में डिस्कवर करते हैं, तो यू कैन गो फॉर अ चेकअप एंड फाइंड आउट। और अगर आपको ऑलरेडी पता है यू हैव दिस इशू, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कोकोनट वाटर।
सो गाइज, ये था द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर वर्गो यानी कन्या राशि. आई होप आपको बहुत फायदा मिले इससे. फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी. वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने. वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.